बड़े कुछ बोलने का नहीं, आप लोग आ ले अच्छा लगा, छोटे बच्चे लोग को ज्यादा ही गेम दिख रहे थे। बाहर तुम लोग अभी फोटो लिया वही ना आइटम तुम लोग सब, हाँ बोलो पूरा फोर्स में आया भाई, देखने को देख ले कैसे बनता था, देखना बराबर और बताना बाद में। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, और आप लोगों ने इतना प्यार मेरे बच्चे को भी दिया टाइगर को, उसका भी शुक्रिया। सुभाष जी ने आपको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपने मेरे को इधर खड़ा कर दिया, अभी क्या बोलने का। आई जस्ट थैंकफुल टू एवरीबॉडी अराउंड हियर एंड किसको देना बेटा, अच्छा थैंक यू, थैंक यू, ये अवार्ड मेरे लिए। अभी हमारे मेरे एक और पारिवारिक मित्र हैं बहुत बड़े, जिन्होंने मुझे चांस दिया था, सिप्पी साहब उनके बेटे हैं। सिप्पी साहब ने ये फिल्म रिलीज की थी जबकि ये फिल्म कोई ले नहीं रहा था। साहब पपीटर जो हैं आइए, थैंक यू वेरी मच, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, ओके ओके थैंक यू। और नौ आप लोग फिल्म देखिए, इंजॉय कीजिए, और देखिए कि हम लोगों ने उस वक्त जो मेहनत की थी आज भी वैसे ही उतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में कमी नहीं हुई है, लेकिन वैल्यूज और इमोशंस और बड़ों की इज्जत, परिवार की इज्जत किस तरह की जाती है, प्रेम की क्या कीमत होती है, ये फिल्म में हीरो में बताया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक फिल्म मेकर के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसकी फिल्म जो इसी थिएटर में 35 साल पहले दिखाई गई थी आज फिर दिखाई जा रही है। और ये फिल्म हीरो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी जिसने बहुत से सितारे, बहुत से टेक्नीशियंस को जन्म दिया, मुझे भी जन्म दिया, मुक्ता आर्ट्स को जन्म दिया। और खाली ये नहीं कि थिएटर में 50 वीक चली, उस टाइम पे 75 वीक चली, बड़े पर्दे पर चली, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 34 साल तक ये छोटे पर्दे पे भी चलती रही, टेलीविज़न पर भी चलती रही। हर हफ्ते अगर आप देखें, हर महीने देखें, तो हीरो फिल्म जो है दिखाई जाती है। तो इसका मतलब फिल्म जो है वो 35 साल तक हटी नहीं, वो डटी रही। उसके पीछे क्या राज हो सकते हैं? उसके पीछे यही राज हो सकता है जो काम करने वाले थे वो गुणीजन थे, वो उनकी टीम स्पिरिट बहुत स्ट्रांग थी, ऑनेस्टी थी, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों या आनंद बख्शी हों या सिनेमाटोग्राफर हों, जैकी श्रॉफ हों, मीनाक्षी हों या बड़े बड़े आर्टिस्ट हों, राइटर्स हों, राम केलकर हों, तो ये सब चीज़ें ये शो करती हैं कि एक फिल्म 35 और 50 साल तक भी रह सकती है अगर उस फिल्म के अंदर सच्चाई है और गुण है जो कि ऑडियंस को पसंद आते हैं। मुझे खुशी आज हीरो की इसलिए है कि ये नहीं कि ये आज बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो रही है, ये तो होनी चाहिए इसलिए कि लोगों को, आने वाले बच्चों को ये पता लगे कि उस टाइम पे बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर कैसे लगती थी। छोटे पर्दे पर तो देख रहे हैं लेकिन बड़े पर्दे पर कैसे लगती थी, इसके लिए हमने ये जो है अभियान चलाया है कि हर हफ्ते एक क्लासिक फिल्म दिखाई जाए ताकि बच्चों को समझ आए कि वो जो फिल्में थी वो बड़े पर्दे पर इस तरह से इम्पैक्ट लेकर आती थी। अदरवाइज़ तो ये फिल्म जो है आज भी उतनी ही ताज़ा है और आने वाले 25-50 साल में भी रहेगी। ये ईश्वर की कृपा है, हमारे टीम का कर्म है, और मैं आज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर ऐसी फिल्में बनाई जो कि टाइमलेस बनी और 2-3 जनरेशन तक वो फिल्में जो हैं चलती रहीं। So I'm very happy about it and I'm blessed, I can say. Mm-hmm.
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बिजी म्यूजिक कंपोजर थे 1992-3 में, आपने ठीक कहा। बख्शी साहब भी बहुत बिजी थे, सभी टेक्नीशियन बहुत सीनियर थे मुझसे। लेकिन क्या होता है कि हर टेक्नीशियन, हर म्यूजिक कंपोजर और हर लिरिक्स राइटर और एक्टर, वो फिल्म में कितनी उत्तेजना है, फिल्म में कितना उत्साह है, ये एक डायरेक्टर का काम होता है कि डायरेक्टर अपनी टीम को किस तरह से इंस्पायर करता है कि ये फिल्म तुम्हारे लिए स्पेशल है। तो लक्ष्मीकांत जी ने भी जब ये पहला गाना किया, तू मेरा हीरो है, तो रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने मुझे कहा, ये मुझे याद है कि कहा कि सुभाष जी, इस पिक्चर का पहला गाना रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिल्म का म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट होगा। तब 6 गाने और भी रिकॉर्ड होने थे, मुझे क्या पता था, लेकिन मैं अभी उनको याद करके कह रहा हूँ कि उन्होंने सच ही कहा था। और फिर प्यारे जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त रहा। आज जो फ्लूट आप सुनते हैं वो प्यारे जी की कंपोजिशन है, और उसको फिर जैसे चौरसिया साहब ने बजाया, फिर हीरो को हमने दिखाया, तो और सुरेशमा जी ने गाना गाया 4 दिना दा प्यार और लंबा। तो बहुत से लोगों की जिंदगियों के लिए हीरो फिल्म जो है वो आखिरी सांस तक रही है, इसका मुझे गर्व है। मैं ये समझता हूँ कि जिस डायरेक्टर अगर सच्चा है, अच्छा है और पक्का है, तो कोई भी आर्टिस्ट चाहे बुजुर्ग हो या नया हो, वो उसे मना नहीं कर सकता। तो जब मैंने कहानी सुनाई शमी जी को, बिंदु जी को, संजीव कुमार को, तो मैंने ये भी कहा कि आपके रोल छोटे हैं लेकिन इसकी पावर मोटी है। ये रोल छोटे हैं लेकिन जो शक्ति है वो मोटी है, तो इसलिए आपको, आपके पास आया हूँ, आपको ये रोल करना चाहिए। तूने मेरे पे विश्वास था और मैंने उनको जस्टिफाई किया। आपने देखा होगा कि हीरो में कोई भी कैरेक्टर व्यर्थ नहीं है, फालतू नहीं है, हर कैरेक्टर की एक अपनी जगह है और उसमें मुकाम बनाया है, और आज भी उनकी वो एक मानी हुई फिल्मों में से मानी जाती है। जैकी श्रॉफ तो न्यूकमर तो थे, न्यूकमर भी थे और नॉन एक्टर भी थे, एक्टिंग का उनको ABC नहीं था, लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, विद्यार्थी बहुत अच्छे थे। एक्टिंग की ABC सीखी, फिर DEF, ABCD, ELF जब सब कुछ सीखा और Z तक सीखा। तो विद्यार्थी पे बहुत डिपेंड करता है, तो सीखते सीखते वो अच्छे एक्टर बन गए, और आज वो भी अच्छे स्टार हैं और उनका पुत्र टाइगर श्रॉफ भी एक बहुत बड़ा स्टार है। मेरी सारी फिल्में हैं जितनी बनी हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से डायरेक्टर्स मेरे पास आते हैं कि वो रीमेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात ज़रूरी है कि मैं तो रीमेक नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी रचना है, मेरी क्रिएटिविटी है। मैं अगर फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो एक नई फिल्म होगी, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो अगर दूसरे डायरेक्टर आते हैं और इसको रीमेक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आपको पता भी है कि कर्ज फिल्म भी बन चुकी है और हीरो भी बन चुकी है, और आप फ़र्क देख सकते हैं। कई बार वो अच्छी भी बना सकते हैं फिल्म, कई बार नहीं बना सकते। तो रीमेक में तो दोनों रिस्क होते हैं, कभी कभी उससे बेहतर बनती है, कभी कभी उससे बेहतर नहीं बन पाती है। लेकिन रीमेक के लिए मुझे सारी फिल्मों के लिए ऑफर आता है, और मैं सोचता हूँ कि इसको बनाने वाला कौन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं आज के समय में, पहले समय में क्या एक फिल्में थी, आज सब कुछ है, टेलीविज़न है, शॉर्ट फिल्म है, YouTube है, तो एक्टरों की डिमांड तो बहुत है, लेकिन एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी एक्टर बनने वाले लोगों से ये कहूँगा कि सिर्फ एक्टिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ग्लैमर पर नहीं, बॉडी पर नहीं, डांस में नहीं, एक्शन में नहीं,
अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरी मेडिसिन, है ना, लॉयर बनना चाहते हैं तो लॉ, और एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टर पे मेहनत करो, उसकी प्रैक्टिस करो। आजकल बच्चे क्या हैं, डांस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिम की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, लुक की ज़्यादा, गॉगल लगा के घूमते रहते हैं, वो छोड़ दो, वो सब तुमको पहनाने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिल जाएंगे, पर आपको एक्टिंग आना पहले बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मैं ये कहूँगा मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, कोई भी म्यूज़िक कंपोजिशन जब होती है, चाहे वो लक्ष्मी जी हों या रहमान साहब हों या नदीम शरामन हों, उनके साथ काम किया, तो मैं उनको अपनी कहानी के अनुसार जो मेरा मूड है और किस तरह की ट्यून होनी चाहिए, तो वो दो चार बनाते हैं ट्यून और उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप इस मूड से तीन चार ट्यून बनाइए, लेकिन उस ट्यून को सिलेक्ट करना क्या अवसर वो मुझे देते हैं। सर, आपके पास ऑलरेडी अपना एक विजन होता है? हाँ, मेरा विजन होता है उस जी कि मैं इस तरह का म्यूज़िक चाहता हूँ, इस तरह की ट्यून चाहता हूँ, इस तरह के लिरिक्स चाहता हूँ, फिर वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो समझते हैं, फिर वो दो तीन ट्यून बना के देते हैं, उसमें से एक मैं सिलेक्ट करता हूँ, चाहे वो फ्लूट की ट्यून हो या पियानो की ट्यून हो या गाने की ट्यून हो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन अपने आप में एक रहा है। थैंक यू। पहले तो रिस्पेक्ट असली जगह जहाँ देना चाहता हूँ 26/11 का, उन परिवारों को सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत इज्जत। बाकी यही बोलूँगा कि आज के दिन सुभाष जी ने हीरो यहाँ पर लगाया है और सारी बातें देखने मिल रहे हैं, देखना चाह रहा हूँ, और आप लोगों ने बुला लिया तो आ गया। नॉर्मल था, कोई मतलब काम के लिए बुलाया किसी ने और मैं जा रहा हूँ मिलने, मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं है, मैं विलन का रोल कर चुका था, जब वहाँ पर गए और उन्होंने बताया कि हीरो का रोल है, तो मैं बोला हाँ संभाल लेना, अब मैं क्या बोलूँगा। जी जी, माइंड में कुछ नहीं चल रहा था भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सोच रहा था कैसे करूँगा, रोल तो मिल गया है, अब करेंगे कैसे भाई। सर, एक कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहिए? अभी जो गाना चल रहा था उसी का कर लेता हूँ, निंदिया से जागी बाहर। मीनाक्षी जी को 104 फीवर था, सुबह 5 बजे उनको वेक कॉल दिया गया और 6:30 बजे ठंडे वाटरफॉल में रखा, और उनकी जो उनका डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन जो था वो देखा, और समझ में आ गया कि भाई 104 फीवर हो या 5 हो, सुबह ऊटी में वो ठंडी में पानी में बैठ के निंदिया से जागी बाहर करना बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, सब लोग इधर ही आ गए, पिक्चर देख रहा था, क्यों तुम लोग ज़बरदस्ती का अक्कल तो है ना, 2 पैसे का अक्कल नहीं, पिक्चर देख रहा उसमें बुला के पब्लिक को इधर बुला लिया, कुछ अक्कल नहीं, सोचना नहीं। हाँ जा रहे हैं क्या भाई, हीरो फिल्म से लेकर अब तक का जो सक्सेस है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय तो जिनने मुझे इंडस्ट्री में लाया, सुभाष जी उनको दूंगा, बाकी माँ की दुआ और अपना काम और आप लोगों का प्यार आप लोग को दूंगा, जो मेरे जैसे को एक्सेप्ट करा आप लोगों ने, बाकी क्या, बस कान पकड़ता हूँ, जहाँ था वहाँ से कई कदम आगे हूँ, गाड़ने वाले सुभाष जी, उगने वाला मैं, निकल ले। Yeah.
Thank you.